जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:32 हो गई है और मार्केट बंद हो गया। दिस इज़ नॉट ए मार्केट व्यू, लेकिन मैं आपको साइकोलॉजी थोड़ी सी आज मेरी तरफ से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे। क्योंकि मैं अब चाहूँगा हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ मेरी जो टेक्निक्स है या नॉलेज है वो आपको बांटूँ। गलत है, सही है, ये मैं इस पर कोई दावा नहीं करता। अब आप देखिए, मैंने सुबह ही जब ये 562 आया था, 600 के करीब आया था, तब मैंने दोस्त, मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको लिख दिया कि एक बार बैंक निफ्टी वापस नया हाई मारेगा। तब इसका हाई था 29,090, और मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखाया उसका, है ना। और उस समय निफ्टी भी 744 आया था, तो मैंने लिखा ये भी एक बार 900 की तरफ जाएगा। तो आप देखो हाई क्या बना है। और कल आप लोग को वीडियो में क्या बोला, 900 के आसपास आएगा शॉर्ट मारिए, टिकेगा नहीं, और 700 के आसपास आएगा कल बाई करिए। ये मैंने आपको क्लियर कट कल समझाया कि ये दो रेंज है, प्लस अबव 840 थोड़ा बुलिश रहेगा, बिलो 790 बेयरिश रहेगा। ये भी आपको कल समझाया था, बिलो 797। एज इट इज़ मार्केट ने वही रेंज को प्ले किया। आप पूरा चेक कर लीजिए, मैं स्पॉट के हाई लो दिखाता हूँ पहले तो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सिखाऊंगा क्यों आज मार्केट बढ़ा, और मैं क्यों लिखा मार्केट बढ़ेगा, क्यों लिखा मैंने कोटक बाई करो, इंडसइंड बैंक बाई करो, क्यों लिखा, ये सब कुछ अभी मैं समझाऊंगा विथ रीज़न, विथ लॉजिक। तो कहाँ ये बैंक निफ्टी खुल गया, तो ये आज ये व्हाट हैपेंड नहीं है। आज आपको एक चीज़ सिखाने के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट तो अच्छा, मेरे टारगेट में एक प्रॉब्लम और आ गई है। मुझे भगवान ने एक दिन और कम कर दिया है, क्योंकि 30 तारीख जो मैं बोल रहा हूँ, 30 तारीख, 30 तारीख को छुट्टी है। तो यानी कि अब मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, ओनली 5 दिन निफ्टी को 12,250 से लेके 12,150 के बीच लाने के लिए। अगर वो नहीं आता है तो मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, इसका वादा कन्फर्म है। तो अब तो एक दिन और कम हो गया दोस्तों, अब तो एक दिन और कम हो गया, क्योंकि मुझे आज ही पता चला 30 तारीख को भी छुट्टी है, कोई गुरु नानक जयंती की छुट्टी है। तो अपने को इक्विटी मार्केट तो बंद रहता है, मुझे मालूम है गुरु नानक साहिब की जयंती रहती है, तो और कॉमोडिटी मार्केट भी शायद शाम को काम करता है उस दिन। तो 30 तारीख को क्या दिन है, मंडे है, तो 30 तारीख को मेरी छुट्टी चली गई, अगर है तो कंफर्म है मुझे लगता है। तो अब मेरे पास बचे क्या, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, यानी कि 5 दिन बचे मेरे पास। और मुझे अपने आप को साबित करने के लिए 12,250 से लेके 12,150 का लेवल लाना है, क्योंकि मैंने बोला वो मूविंग एवरेज ऊपर नीचे होती है, इसलिए आपको समझाया था, ठीक है। तो 150 ऐसा नहीं कि अड्डी गए, वो 100 पॉइंट का इसलिए क्योंकि मूविंग एवरेज आपको पता है 20 SMA रोज मूव करती, ठीक है, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। और तो 5 दिन में, आज की क्लोजिंग भी हम लोग अभी चेक करेंगे, तो 5 दिन में मुझे लेवल लाना, और मुझे लगता है उसके भी नीचे चला जाएगा, ये मेरा मानना है, उसके भी जो मैंने लेवल दिए उसके भी नीचे चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए मैं आज थोड़ा सा आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा लगेगा तो लाइक्स भरमार लगाइएगा, ऐसा कोई शायद आपको सिखाएगा नहीं, रॉन्ग राइट तो भगवान प्रूफ करेगा। मैंने क्या बोला, मैं नहीं करूँगा ये तो समय, और इतना बड़ा कोई दावा करता है अगर 47,000 सब्सक्राइबर को छोड़ देने की एक बार में हिम्मत रखता है, तो कुछ ना कुछ उसमें दम होगा स्टडी में, या रॉन्ग होगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने ऊपर दाव खेल रहा हूँ ना, आपके ऊपर नहीं खेल रहा। मेरी मेरी इज्जत क्या है, ये चैनल, तो मैं अपनी इज्जत देने के लिए तैयार हो गया, बस खत्म बात। तो आपको देखो आज क्या किया, ये हाई बना 892, मैंने 900 कल बोला आपको विल एक्ट, और नीचे 700 का सपोर्ट बोला कल, 730 का लो बना, आप देख सकते हो ये 892, 730। तो मैंने साफ बोला था 700 जब तक नहीं टूटेगा तब तक एक्सट्रीम बियरिश नहीं होगा, ये कल मैंने लिखा भी है, समझाया भी है, आप देख लीजिए सारा वीडियो। और 797 के नीचे जब तक है तब तक बियरिश जोन में है, और 797 से 840 का जोन है न्यूट्रल जोन, जहाँ पे कोई जीत नहीं रहा है ना बियर, और 840 से लेकर 900 का जोन है बुलिश जोन, ये मैंने आप लोग को बोला था। और 900 के ऊपर मैं जाते हुए नहीं देख रहा हूँ, ऐसा मैंने लिखा है कल, है ना, आप चेक कर लीजिए। तो ये एग्जिट इज सब कुछ निफ्टी ने प्रूव किया। अब आइए, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे लेवल से भी नीचे निफ्टी जा सकता है, ऐसा क्यों, तो आज आपको कुछ सिखाता हूँ, रॉन्ग होगा का राइट होगा वो आप लोग
को ये एक वीक में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, ये साइकोलॉजी थोड़ी सी स्टाइलिश है, तो आप समझने में आपको आएगी कि नहीं। कल एक बड़ी मंदी आई 200 पॉइंट की, फ्रॉम द टॉप कल 200 पॉइंट गिरा। बहुत ध्यान से सुनिए, स्किप वगैरह मत करिए। अगर आप कोई कुछ खा रहे हो पी रहे हो तो इस वीडियो को अभी मत देखिए, जब आपके पास फ्री टाइम होगा तब देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। कोई आज कोई कॉल पूरी कुल नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। मैंने आज बाई कॉल ही दिया था, आप देख सकते हो कोटक का, जबकि बड़े हुए बढ़ने के बाद दिया था 1846 पे, ठीक है। तो वहाँ से भी ये फाड़ के रख दिया, 1840 पे दिया सॉरी, और ये इंडसइंड दिया था, देखिए सब फाड़ दिया। तो जो आपको दिख रहा, अब आ जाइए क्यों गिरेगा। कल 200 पॉइंट गिरा था निफ्टी, 976 का कुछ टॉप बनाया था फ्यूचर में, और वापस नीचे 740 वगैरह 760 तक आ गया था कल। तो 200 पॉइंट हाई से गिरा था, तो कल एक ड्रास्टिक फॉल डे था, और बैंक निफ्टी भी कल हमारा 28,820 तक आ गया था फ्यूचर में। तो आज इसने एक और नया लो बना दिया। अब क्या होता अगर आज ये इसी टेरिटरी में रखता अपने आप को कल के लो से नीचे, तो क्या होता, सब स्मार्ट लोग समझ जाते कि मार्केट में तेजी खत्म हो चुकी है। सुन लीजिए मेरी बात को, सब स्मार्ट लोग समझ जाते हैं कि तेजी खत्म हो चुकी है, अब तेजी का लेवल नहीं आएगा, 30,000 भूल जाओ, 13,000 एक बार के लिए भूल जाओ। लेकिन जैसा टीवी बोल रही है, मीडिया बोल रही है, बाई ऑन डिप्स अंटिल अनलेस 700 ब्रेक्स, मार्केट इज स्टिल इन बुलिश मोड, ये आपको टीवी बोल रही है, आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, CNBC में या जी बिजनेस में या किसी में भी, एनी अदर चैनल, NDTV प्रॉफिट में, कहीं पे भी, तो यही वो लोग बोल रहे हैं। तो आज क्या किया इसने, टेक्निकली वही गेम खेला, 700 के आसपास का लो बनाया, 720 ऐसा कुछ लो आप देख लीजिए स्पॉट में, अभी दिखाया था मैंने, और वहाँ से बाउंस बैक किया वापस 900। लेकिन भाई साहब अगर तू तेज है तो तू कल के लेवल के आसपास जाना, कल तो तू 976 बनाया था यहाँ पे, क्यों नहीं गया 900 पे, काय को सांस तोड़ रहा तेरी, है कि नहीं तोड़ेगा, मैंने आपको साफ बोला। और अभी अभी मेरा 3:03 पे, जिसका मैंने आपको फोटो दिखाया था, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, मिस्टर सौरभ मेरे भाई, उनसे बात हुई 3:03, वो बोला प्रमोद भाई गिर नहीं रहा यार, अपने को क्या करना चाहिए, मेरा यार शॉर्ट पड़ा यार। तो बोला बिल्कुल बिंदास हो, 3:15 के बाद आप चेक करना, 15 मिनट में FII अपना पूरा माल पब्लिक को देगी 3:15 के बाद। वो बोला 3:15 बाद क्यों, तो मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ। देखिए अगर आज दिन में ये नीचे ला दे पूरा, तो सबको पता चल जाएगा मार्केट नीचे, सब पुट ले लेंगे। लेकिन आज क्या हो गया, वापस से होप बढ़ा दिया, क्योंकि आज वीकेंड का लास्ट डे है, अगर आज मंदी कर दे तो आप लोग कॉल खरीदो ही नहीं। और अब क्या होगा, आपको विश्वास होगा 13,000 की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ 740 से गाड़ी 900 तक लाया, मतलब ऊपर की तरफ लाया, समझ में। तो आपको क्या लग रहा है, अब 13,000 नज़दीक है, वहीं जाएगा 13,200 जो भी है, जो टीवी बोल रही है। और ये भी क्या किया इसने, एक देखिए आप देखो 29,800 से ये माल 28,500 आ गया, 1200 पॉइंट 2 दिन में करेक्शन हो गया इसका, आपने देखा होगा। और वहाँ से इसने वापस क्या किया, 29,400 ला दिया, लेकिन कल का हाई या परसों का हाई बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया। और आप इसका देखो कि लास्ट के 15 से 20 मिनट में इसने कितना माल बेचा, आप चेक कर लीजिए कहीं पे भी, वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा। मैंने उसको बोला अगर वो लास्ट 15 मिनट में ठोकेगा तो क्या होगा, कुछ लोग डरे हुए जो शॉर्टर है वो भी काटेंगे, और कुछ लोग नया बाई करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा मार्केट अब अगले वीक तेज है, ठीक है। तो 15 मिनट में इसने माल बेचा, हम 15 मिनट का कहीं देख सकते हैं, तो मैं देखता हूँ लास्ट 15 मिनट के कैंडल में देखने की कोशिश करता हूँ, इन्वेस्टिंग में भी दिख जाएगा, ठीक है। 15 मिनट में क्या एक्टिविटी हुई लास्ट की, वो देखते हैं सीखने के लिए। आज कुछ भी व्यू नहीं है भाई, लेकिन व्यू तो मेरा, मैंने सब कुछ दे दिया खुल के, जो होना होगा, कपड़े खुलने मेरे खुल जाएंगे, नहीं खुलने होंगे फिर से पहनने होंगे तो पहन लेंगे यार, सब भोलेनाथ जानते। बाकी स्टडी परफेक्ट जा रही है, ये पता चल रहा है। चलिए अब इसको लोग वीकली अच्छी क्लोजिंग मानेंगे, लेकिन ये कहीं पे भी अच्छी नहीं है, मैं आपको अभी वो भी समझाऊंगा। पहले तो इसका देख लेते हैं हम लोग 1 मिनट चार्ट को। आज के 1 मिनट चार्ट में 3:15 से क्या एक्टिविटी हुई वो देखना चाहता हूँ मैं। अरे यार क्यों इतना टाइम लेता भाई,
स्लो क्यों हो गया? फिर से लिखता हूँ निफ्टी। क्या खुल गया? चलिए जब तक कुछ और बताऊं क्या खुल जाए भगवान। क्या हो गया भाई मेरे? क्यों भैया मेरे को मार रहा है? सब क्या खुल रहा है भाई? पता ही नहीं यार। एनीवे मैं चार्टिंग में देखता हूँ इसको। चार्टिंग में कुछ लफड़ा हो जाता है मेरे कंप्यूटर में बहुत बार, तो सॉरी थोड़ा सा आपका टाइम बर्बाद किया मैंने। तो 5 मिनट वाली में तो दिखेगा इसमें, है ना? 5 मिनट्स की कैंडल वही देख लेता हूँ। उसमें 1 मिनट वाली दिखती नहीं फ्री वाले में। हम लोग तो गरीब आदमी है, फ्री फ्री देखते हैं ना यार। तो 2 दिन की मूवमेंट निकाल देता हूँ मैं, और 5 मिनट्स या 3 मिनट्स का चार्ट दिखता क्या? दिखता हूँ नहीं दिखेगा। 1, 2, 3 मिनट्स खाली प्रीमियम वाला को दिखता है, ऐसा बोलते हैं। कोई बात नहीं, दे देंगे कभी तेरे को प्रीमियम। अब आप देखो दोस्तों, ये हर 5 मिनट का कैंडल है, तो ये कैंडल का टाइम ऊपर दिखेगा आपको 2:55 से लेकर 3 बजे की। ये 3 बज के 3 से 3:05 के कैंडल में भी अच्छी खासी रेड कैंडल बनी, आप देखिए 3 से 3:05, ठीक है? ये वाली ऊपर आपको टाइम यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे कैंडल का टाइम दिखेगा, ओपनिंग हाई सब दिखेगा, जहाँ पे मैं लाऊंगा आप देखना। अब देखिए ऊपर क्या दिख रहा है, 3 बजे ओपनिंग हुई थी 12,883 की, 3 बजे का 3 से 3:05 की कैंडल में हाई बना है 884 का, और 3 से 3:05 की कैंडल का लो बना 851 का, और क्लोज किया 3:05 पे इसने क्लोज किया 859। फिर 3:10, 3:15, अब 3:15 का जो लेवल है वो हम नोट करते हैं। 3:15 पे निफ्टी हाई था 869, ठीक है? 3:15 पे निफ्टी हाई था 869, और ये वाला देखिए यहाँ से 3:15 से 3:20, 3:20 से 3:25 तीनों रेड है। आप देखिए ये 3:15 से 3:20 वाली रेड है, ये तीन कैंडल आप देखिए, दिस थ्री, तीनों में माल बेचा। क्योंकि क्या होता है, इंट्राडे वाले 3:15 तक कट जाते हैं, आपको पता होगा सब में सिस्टम है, इंट्राडे वाले को 3:15 तक काटना पड़ता है। तो वहाँ तो आपको ऊपर की रेट में कटवा दिए, है ना, जिसका इंट्राडे शॉर्ट था, ठीक है, या लॉन्ग था, जो भी था। अब 3:15 के बाद जो है वो लोग खड़े रहते हैं जिनका पोजिशनल गेम होता है, ठीक है? तो उनको क्या क्या, ले बेटा ले, तुझे निफ्टी चाहिए ले ले बेटा, तुझे निफ्टी चाहिए अगली 5 मिनट में ले ले बेटा, तुझे निफ्टी चाहिए अगली 5 मिनट ले ले बेटा, ले जा। उनको आप देखो अगले 15 मिनट में 869 से कितना लो बना दिया, 842, यानी कि 842 माइनस 27 पॉइंट का गेम कर दिया 15 मिनट में। मतलब सबको माल दिया उसने, ले ले बेटा तू भी ले ले। अब इसको हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे भी और क्लियर दिखेगा। अगर इसको मैं 15 मिनट्स का चार्ट कर दूँ और क्लियर देखे, वैसे मैं बैंक निफ्टी भी दिखाऊंगा। अब आप ये हर कैंडल 15 मिनट की है, तो आखिरी के 2 15 मिनट की कैंडल आप देख लीजिए और आप खुद समझदार हैं। मैं हो सकता है थोड़ा कम जानकार हूँ, तो ये कैंडल थी 2:45 से 3 बजे की, दिस वॉज 2:45 से 3 बजे, और यहाँ तक निफ्टी अपने टॉप स्टेज पे खड़ा है। आप देख लीजिए ये दिन भर का टॉप है, आपको दिख रहा होगा, दिस वॉज द टॉप। तो निफ्टी अपने टॉप पे खड़ा है 2:45 से 3 बजे वाली कैंडल में, और 3 से 3:15 में उसने ठोका, और 3:15 से 3:20 में तो ऐसा ठोका कि पूरी की पूरी बॉडी ही रेड है,
यहाँ पे वीक ही नहीं है, इसमें तो थोड़ी बहुत वीक थी। तो आप इससे अंदाजा लगाओ ये माल डिस्ट्रीब्यूट। और दूसरा एक और बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ, आज ही अभी तक सेबी का नोटिफिकेशन नहीं आया कि सेबी एक्सटेंड कर रही है कि नहीं। तो मैं इस पर वापस आपके सामने चेक करता हूँ, सेबी प्रेस रिलीज। तो इसमें पब्लिक लास्ट नोटिफिकेशन यही दिखा रहा है कि पब्लिक नोटिसेस। तो इसके पहले जो रेगुलेटरी मेजर्स टू कंटिन्यू था वो अक्टूबर 22 को आया था, क्योंकि पिछली वाली एक्सपायरी हमारी कब थी, मेरे ख्याल में 29 तारीख की थी एक्सपायरी, अक्टूबर की एक्सपायरी कब थी, चलो देख लेते हैं यार। अक्टूबर का लास्ट थर्सडे जब होगा वही होगा ना, अक्टूबर की एक्सपायरी 29 तारीख की थी, ठीक है 29 तारीख, 29 अक्टूबर की एक्सपायरी थी। तो इसने 22 तारीख को नोटिफिकेशन दे दिया कि भाई साहब प्रेस रिलीज है, रेगुलेटरी मेजर्स विल कंटिन्यू। रेगुलेटरी मेजर्स मतलब वही वाला कि शॉर्ट सेलिंग पे बैन, ये मैंने आपको पहले एक वीडियो से समझाया था ये क्या है। तो अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया, इस बार आज हो गई है 20 तारीख और ये एक्सपायरी है 26 तारीख। जब पिछली एक्सपायरी 29 तारीख को थी तो इसने 22 तारीख को नोटिफिकेशन दे दिया कि कंटिन्यू रहेगा। और उसके पहले सितंबर वाली एक्सपायरी आपको याद होगा 24 तारीख की थी, तो इसने 18 सितंबर को दे दिया था। आप देख सकते हो, दिखाता हूँ, ये 18 सितंबर को इसने क्या लिखा था, प्रेस रिलीज रेगुलेटरी मेजर्स टू कंटिन्यू, क्योंकि एक्सपायरी कब की थी 24 तारीख की, यानी कि एक हफ्ते पहले तो आ ही जाता है। तो इस हिसाब से 19 तारीख 19 नवंबर तक तो आ जाना था ये नोटिफिकेशन, लेकिन अभी तक नहीं आया और आज 20 तारीख भी हो गई। अगर आज शाम तक नहीं आता इसका मतलब शॉर्ट सेलिंग का बेन शायद हट गया। ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है मार्केट की विनाश होने के लिए, लिख लीजिएगा ठीक है। तो आज शाम तक पता चलेगा या कल तक पता चलेगा मैक्सिमम, क्योंकि इसको भी मैंने आपको टेक्निक बता दिया कि हर बार ये 6 या 7 दिन पहले तो ला ही देते हैं ये नोटिफिकेशन। ये आपको मैंने सेबी की साइट में जाके दिखाया है। तो ये सब स्टडी हाई लेवल की है बॉस थोड़ी सी, ठीक है। रॉन्ग राइट तो भोलेनाथ करता ही है हर इंसान। अब आ जाइए वापस, हम इसको देखते हैं बैंक निफ्टी को, जो चीज़ अभी हमने यहाँ पे देखी बैंक निफ्टी की भी देखते हैं। 5 मिनट का चार्ट, ये अब सीधा 15 मिनट का देख लो, झमेला ही ख़त्म हो जाएगा है ना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो लास्ट के 2 15 मिनट की कैंडल क्या बता रही है। 3 बजे तक का टॉप क्या था आप देख सकते हो, आपके सामने ऊपर दिख रहा है 3 बजे का टॉप, यहाँ दिखेगा आपको ठीक है। यहाँ 3 बजे तक का टॉप क्या था बैंक निफ्टी का, 29,365 आप लिख सकते हो। 3 बजे तक का ये टॉप था और 3:30 बजे का लो क्या है, 29,137। फिर से ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 बजे तक का बैंक निफ्टी का टॉप क्या था, मतलब 2:45 से 3 बजे का टॉप। ये असल टॉप तो ये है, असली टॉप तो 406 का है जो कि 2:15 से 2:30 की बीच में बना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 3 बजे बैंक निफ्टी देखिए टॉप पे क्लोज हुआ, आप इसकी क्लोजिंग भी देख सकते हो 364 एग्जैक्टली, यानी कि एग्जैक्टली 3 बजे बैंक निफ्टी कहाँ था, एग्जैक्टली 3 बजे बैंक निफ्टी था 29,364 पे, ठीक है स्पॉट की बात कर रहा हूँ। और एग्जैक्टली 3:30 बजे बैंक निफ्टी कहाँ था, लो बनाया 137 का, और एग्जैक्टली 3:30 बजे कहाँ था, 29,150, यानी कि आखिरी के आधे घंटे में 225 पॉइंट का स्वा कर दिया, स्वा कर दिया, समझ में आया। ये दिया रिटेल ट्रेडर्स को जो 3:15 तक काटते हैं, और जो लोग जिद्दी है कि भैया मैं नहीं काटूंगा मैं तो कोई कैरी करूंगा, तो उसको बोला ले तेरे को और नीचे दे रहा हूँ आखिरी के 15, तू ले ले भाई, ऐसा दिया माल, ठीक है। तो ये समझ में आया तो आया, नहीं तो जय श्री राम, ठीक है मेरी कोशिश थी ये समझाने की। तो अब आज एक और टेक्निक सिखा देता हूँ, जब भी कोई चीज़ दिन भर में नया हाई बनाती है, कोई भी चीज़ बैंक निफ्टी या निफ्टी जैसी इंडेक्स वाली बैंक निफ्टी, तो आज का हाई क्या था 412। तो अगर तू 412 आज लेके गया, कहाँ से लेके गया, 562 से, तो यहाँ से आप देखो 900 पॉइंट की रैली की है। अगर आप इसको देखो 562 से
ये 29412 लेके गया, 28562 से 29412 किया, यानी कि 850 से 900 पॉइंट भागा। लेकिन तू भागा तो भागते चोर की लंगोटी गिर क्यों गई? तू 412 का जब टॉप बनाया, जो कि तू 3 बजे था भी, 3 बजे तक तू 412 पे ही था, 380 पे ही था, आप चेक कर लीजिए, तो तू 150 वाले को माल क्यों दे रहा 3:30 बजे? क्यों दे रहा बे? जब तू इतनी ताकत लगा के 412 पे खड़ा था 3 बजे तक, तो तू 3:30 बजे 150 को क्यों माल दे रहा भाई? आप देख सकते हो ये 3:30 बजे का लास्ट ट्रेड है, तू 250 पॉइंट अपना खो दिया। अगर तू स्ट्रांग है तो तुझे यहाँ 300 के नीचे भी नहीं दिखना चाहिए, 320 के नीचे भी नहीं दिखना चाहिए था। ये बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? मंडे का बहुत ज़्यादा चांसेस है बड़ा गैप डाउन खुलने का, बहुत ज़्यादा, 98% चांसेस है, 98% चांसेस है मंडे को एक बड़े गैप डाउन से मार्केट खुलेगा, ठीक है? तो बस यही समझाना चाहता। और एक टेक्निक भी सीख लीजिए, जब भी बैंक निफ्टी दिन भर के दौरान एक अच्छा हाई बनाता है, तो उसको अपने हाई से 150 पॉइंट नीचे अगर क्लोज करता है, तो अगले दिन उसमें मंदी है। अपने हाई से 150 पॉइंट नीचे लास्ट ट्रेड करता था, तो इसने तो 250 पॉइंट नीचे लास्ट ट्रेड कर दिया। और निफ्टी का भी एक टेक्निक सीख लीजिए, जब भी एक निफ्टी दिन भर में नीचे से ऊपर खींच के एक नया हाई बनाता है, जो कि 909 का है, उससे अगर 60 पॉइंट नीचे लास्ट ट्रेड करता है, तो वो भी वीक है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे, तो 909 और 60 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है कि नहीं, आप देख सकते हो। ये टेक्निक मेरी निकाली हुई, आप चेक कर लीजिए। अगर ये स्ट्रांग होता तो ये लास्ट ट्रेड यहाँ पे 12880 या 870 का दिखता, ठीक है? और यहाँ पे लास्ट ट्रेड दिखता आपको 29290 या 320, ठीक है? तो बस इतना ही समझाना था। अगर पसंद आया और किसी को भी नोटिफिकेशन अगर मिल जाए कि आ गया, तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कर देना, आपका बहुत आभारी रहूँगा। और जिस दिन YouTube सपोज मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, 90% तो चांसेस है कि मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ूंगा तो आप लोग को एक धन्यवाद वाला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब तक मुझे सहन किया, मेरे जैसे पागल इंसान को आप लोगों ने सहन किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल एंड विश यू ऑल एंड हैप्पी नेक्स्ट वीक, बिकॉज वो नेक्स्ट वीक शायद सारे गम भुला सकती है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गम दे सकती है। दैट्स इट। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अबे ये क्या हो गया बे, ये तो मेरे ट्रेड भूल गए। चलो यहीं से स्टॉप।